न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त बात करते हैं आदिवासी क्रांति वीर टांट्या मामा भील की 4 दिसंबर की पुण्यतिथि पर होने वाले आयोजन की, जिनकी प्रतिमा का इंदौर में अनावरण होगा। प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं उसके मुताबिक आदिवासी बंधुओं को प्रदेश भर से लाने के लिए 2300 से ज्यादा बसें लगेंगी। करीब 2000 आदिवासी 3 दिसंबर की रात ही इंदौर आ जाएंगे, इन्हें यहीं रुकवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी से ही 700 से ज्यादा बसों से 10,000 से ज्यादा आदिवासी इंदौर आएंगे। ये कार्यक्रम उस तरह का है जिससे लोगों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो उसमें हम अधिक संख्या में लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो पार्किंग व्यवस्था जो शहर में 2 जगह से एंट्री रखी है, देवगुराड़िया वाले और बिचोली मर्दाने वाले बाईपास से, उसके बाद गाड़ियों का मूवमेंट होगा। और जो कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम है उसके लगभग 1.5 किलोमीटर से कम में, ताकि आदमी को 15 मिनट से कम पैदल चलना पड़े। पार्किंग की व्यवस्था एग्रीकल्चर कॉलेज है या पूरा मेन रोड है या पुपलियाना के पास की जगह पूरा किया गया है कि व्यक्ति को 4 दिसंबर को टांट्या मामा बलिदान दिवस पर इंदौर, पाताल पानी सहित 3 जगहों पर आयोजन होंगे। आपको बता दें कि आदिवासियों को सत्ता के सामने शीर्ष पर दिखाने की कवायद के बीच 4 दिसंबर को जननायक टांट्या मामा के बलिदान दिवस पर इंदौर के आयोजन में संघ और संगठन ने हजारों की तादाद में आदिवासियों को इंदौर में जुटाने की तैयारी की है। जो भी प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं वो हमारे एक तरह से मेहमान हैं, उनको हम बेस्ट केयर दे पाए और वो यहाँ पे रहें। साथ साथ इसके साथ मेडिकल टीम्स की व्यवस्था, मेडिकल किट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और इसके साथ साथ रास्ते में विभिन्न जगहों पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, क्रेन, ये सारी व्यवस्था। टंट्या मामा, आपके चरणों में प्रणाम है। धन्य है ये धरती जहाँ तुमने जन्म लिया, धन्य ये समाज जिस आदिवासी समाज में तुमने जन्म लिया। बताया जा रहा है कि इंदौर में इस आयोजन पर ही करीब 10 से 12 करोड़ का खर्च होगा और प्रदेश भर से आदिवासी समुदाय के लोगों को लाने ले जाने का खर्च अलग है। जिन जिलों से आदिवासी आएंगे उन्हें बसों में ही भोजन की व्यवस्था जिले वालों ने की है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 30 अधिसूचित जिलों से आदिवासी बंधुओं को लाने की तैयारी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के प्रवेश के बाद टांट्या मामा की जन्मस्थली पर राहुल गांधी के पहुंचने और आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासियों की को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए, आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए, और ये जो वनवासी शब्द है इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश तेज होती जा रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्म और पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश सरकार आयोजन करने में लगी है, जिसकी शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर पिछले वर्ष भोपाल में हुए भव्य कार्यक्रम से हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पाताल पानी पहुंचेंगे और शहीद टांट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यहां से टांट्या मामा चौराहा भवरकुआ जाएंगे। यहां से वे प्रतिमा के लोकार्पण के बाद नेहरू स्टेडियम जाएंगे, जहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।